जमीन हड़पने वाला बताया, खुद को दलितों गरीबों अल्पसंख्यकों का ही देशी बताया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, कांग्रेस चीफ खड़गे को लिखा लेटर, दिल्ली में आपसे गठबंधन करने का किया विरोध। अरविंदर सिंह लवली ने लिखा, दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बावजूद आलाकमान ने आपसे किया गठबंधन, आपने कांग्रेस के खिलाफ लगाए थे झूठे मनगढ़ंत भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंदर सिंह लवली का आरोप, दिल्ली कांग्रेस प्रभारी संगठन में नहीं कर रहे काम, वर्करों की इच्छा के खिलाफ आपसे किया गठबंधन, दिल्ली में उतारे गलत उम्मीदवार। अरविंदर लवली से मिलने के बाद बोले संदीप दीक्षित, कहा लवली ने 6-8 महीने मेहनत करके खड़ी की पार्टी, इसके बाद हुए गठबंधन में पार्टी को मिली केवल 3 सीटें। अरविंदर लवली दिल्ली से ही कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजकुमार चौहान को टिकट चाहते थे लवली। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने लवली से की मुलाकात, कहा ये सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंदर सिंह लवली से की मुलाकात, लवली ने आज ही दिल्ली कांग्रेस पद से दिया था इस्तीफा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान की कांग्रेस चीफ खड़गे से मांग, दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का लिया जाए इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, बोले कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, कांग्रेस में लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन, कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात की सभी 26 सीट पर बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएगी जनता। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में राहुल गांधी ने रैली की, बोले पीएम मोदी ने केंद्र में 25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वैसे ही नवीन पटनायक यहां पर चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं, मुट्ठी भर लोगों को ही फायदा मिलता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जब तक बीजेपी राजनीति में है एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी। कासगंज में अमित शाह ने रैली की, बोले राहुल गांधी पिछड़े वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण ना तो बीजेपी हटाएगी और ना किसी को हटाने देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने को कहा था, कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जनता ने अब कांग्रेस को खत्म करने का मन बना लिया है। बहरामपुर में जेपी नड्डा ने रैली की, बोले हम मजबूत सरकार की बात करते हैं, ममता बनर्जी मजबूर सरकार की बात करती हैं। सीएम योगी ने बरेली में रैली को संबोधित किया, सपा पर साधा निशाना, बोले सपा के लोग किसी माफिया की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। बदायूं की रैली में बोले सीएम योगी, एसपी ने लोकसभा चुनाव को बनाया मजाक, अखाड़ा सजने से पहले ही बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी का बड़ा ज्वाइनिंग अभियान, कई दलों के दर्जनों नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, पूर्व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी मिली सदस्यता। कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद बोले ब्रजेश पाठक, पार्टी में आए सभी नेताओं का स्वागत, इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अमेठी में बीजेपी फिर जीतेगी, रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल, यूपी में सभी सीट जीतेगी बीजेपी। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पोस्ट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा झूठ बोलना मूर्ख बनाने की मानसिक साजिश का रूप, जिस दिन झूठ खुलता है उस दिन वो सबसे ज्यादा अपमानित और पराजित होता है। नामांकन से पहले रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची स्मृति ईरानी, अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं स्मृति। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पहुंची स्मृति ईरानी, बजरंग बली के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रामलला के दर्शन के बाद बोली स्मृति ईरानी, कहा राम भक्तों का ये सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम को इस भव्य रूप में भव्य मंदिर में विराजमान होते देख पा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी नेता उज्ज्वल निकम ने मुंबा देवी मंदिर में दर्शन कर शुरू किया चुनाव प्रचार, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी कैंडिडेट उज्ज्वल निकम बोले मेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा, संसद ही ऐसा रास्ता है जिससे हम आम आदमी की कर सकते हैं सेवा। अमित मालविया ने पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा 6 सितंबर 2010 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था सभी को मुफ्त भोजन नहीं दे सकती सरकार, पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को दे रहे फ्री राशन। हैदराबाद में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, संविधान के अनुसार आरक्षण के समर्थन में है संघ, कुछ लोग प्रसारित करते हैं झूठे वीडियो। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, ओल्ड मलकपेट इलाके में लोगों से मांगे वोट। एमपी के सीएम मोहन यादव ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले प्रियंका गांधी शादीशुदा हैं फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, वोट के चक्कर में अपना सर नहीं भूली प्रियंका।
सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम का वीडियो, लिखा मोदी के करीबी आचार्य कृष्णम आरक्षण खत्म करने की कर रहे बात, हम ऐसी सामंतवादी सोच नहीं होने देंगे कामयाब। आरक्षण पर अपने वीडियो वायरल होने पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा वीडियो एक साल पुराना और आधा अधूरा है, कांग्रेस को इस दुष्प्रचार से नहीं होगा कोई फायदा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पोस्ट, लिखा पीएम मोदी ने लोक लाज और पीएम पद की गरिमा का किया त्याग, चुनाव के लिए झूठ भय और नफरत फैला रहे। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले तेजस्वी के पिता ने बिहार में जनता के साथ 15 साल मजाकी किया है, देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, कहा तेजस्वी के बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद डिप्रेशन में है। सीएम नीतीश की बूथ वर्करों से मीटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, केवल घोषणाएं करते हैं सीएम नीतीश, हमने 17 महीने में दिए 5 लाख जॉब। बलिया से एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे ने पिछले चुनाव में रिजल्ट बदलने का आरोप लगाया, धमकी दी कि ज्यादती होने पर मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। दिल्ली के सीआर पार्क में आपका वॉकथॉन, वॉक फॉर केजरीवाल, बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर शामिल हुए, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्टाचारी नेता जाएगा वो साफ सुथरा होकर निकलेगा। आपके वॉकथॉन, वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री आतिशी, बोली दिल्ली के लोग केजरीवाल के समर्थन में, जनता ही केजरीवाल के लिए कर रही प्रचार। आपके कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग की रोक पर बोली आतिशी, कहा तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, आम चुनाव से ठीक पहले झूठे केस में सीएम केजरीवाल को किया गया अरेस्ट, ये इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता।